वृद्धजन सम्मान समिति अंतर्राष्ट्रीय द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन बुधवार को होटल ताज पैलेस नई दिल्ली में किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि डॉक्टर ब्रजेश अग्रवाल, संरक्षक एचएम गुप्ता एवं अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन सम्मान समिति का 62वां वार्षिक उत्सव 10 सितम्बर को मनाया जा रहा है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय वसुंधरा पुरस्कार वृंदावन के एक प्रसिद्ध कथावाचक और रसिकानंद श्री अनिरुद्धाचार्य को दिया जा रहा है। वो लगभग 30,000 व्यक्तियों को नित्य प्रति भोजन कराते हैं और 300 वृद्ध माताएं का एक उन्होंने वृद्धाश्रम बनाया हुआ है और 1,000 वृद्ध माताओं के लिए और भी उनका एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है जहाँ पर कि वो वृद्ध माताएं उनको आश्रय लेंगी। ज़्यादातर वो निराश्रित वृद्ध लोगों को ही आश्रय देंगे, तो ये वसुंधरा रत्न पुरस्कार से उनको अलंकृत किया जाएगा और उसमें ब्रज के करीब लगभग 25 प्रसिद्ध संत भी मौजूद होंगे। और संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है कि बुजुर्ग लोग अपने घर में रहें, उनके बच्चे उनकी सेवा करें और उनको वृद्धाश्रमों में ना भेजा जाए। और जैसे कि अभी आपको बताया सह संस्थापक एवं सेवा प्रमुख अपने डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी ने कि ये जो संस्था है ये हमेशा वृद्धों के लिए और उनको हमेशा सपोर्ट करने के लिए ही अग्रणी रही है और कार्य कर रही है और करती आई है। ये आज की नहीं, सबसे पहली इस भारतवर्ष की सबसे पहली संस्था है जिसने कि जब प्रण लिया कि सभी अपने बड़े बूढ़ों को वृद्धों को हर संभव कोशिश हो कि उनकी मदद की जाए और कार्य किया जाए। इसके लिए समय समय पर हर एक सरकार से ये हम इसके लिए प्रयासरत रहे हैं कि इस तरीके के जो वृद्धाश्रम आज के समय में डेवलप हो रहे हैं वो ना हो, ऐसी स्थिति और परिस्थिति को किया जाए ताकि कि जो आज के समय में बच्चे जो अपने माता पिताओं को छोड़ने के लिए विवश होते हैं तो उनको भी मैं इसी चैनलों के माध्यम से इसी की सूचना से देना चाहूँगा कि वो अपने किसी भी तरीके से वो स्थिति को उत्पन्न ना होने दें जिससे कि उनको वृद्धों को अपने माता पिताओं को उनको वृद्धाश्रम के लिए प्रेरित किया जाए। मेरा मेन फोकस ये संस्था के अंदर ये है कि यूथ को सेंसिटाइज करना, यूथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना जो कि हम कई स्कूल कॉलेजेस में चलाते आए हैं। जो ये मसला है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को और ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, उसका सोल्यूशन यही है कि हम बच्चों को एटलीस्ट वैल्यू एजुकेशन दें। आजकल माँ बाप के पास टाइम नहीं है कि वो बच्चों को सिखाएं, स्कूल में ऐसा सब्जेक्ट है नहीं और समाज के अंदर जो नेगेटिविटी फैला हुआ है उसी से इन्फ्लुएंस होके वो जब बड़े होते हैं तो वो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में भेज देते हैं।